पिज्जा इडली डोसा के बाद लोग यदि कुछ खाना पसंद करते हैं ना तो वो है मंचूरियन, क्योंकि बाकी सब चीज़ें खा खा कर लोग परेशान हो चुके हैं और वो कुछ नया ट्राई करने के लिए सोच रहे हैं। और हमारे बहुत से व्यूवर्स ने कमेंट किया कि सर मंचूरियन के बिजनेस बहुत चल रहा है और होटल्स में इसकी मांग काफ़ी बढ़ रही है, तो मंचूरियन बनाने की मशीन लेकर आइए। अब आपने रिक्वेस्ट किया हो और उसे हम पूरा ना करें, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो देखिए, मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले कैबेज या बंद गोभी की श्रेडिंग की जाती है। जब हम घरों में बनाते हैं तो छोटे टूल्स का यूज़ करके श्रेडिंग कर लेते हैं, और मैंने तो कई होटल्स में देखे हैं कि वहाँ पर इन्हीं टूल्स का यूज़ करके श्रेडिंग की जाती है। यदि छोटे लेवल में श्रेडिंग का काम करना है तो इन्हीं टूल्स का यूज़ करके हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही बात आती है बड़े लेवल की, यानी कि बड़े होटलों में, तो वहाँ पर मांग ज़्यादा होती है और अधिक क्वांटिटी में कैबेज श्रेड किया जाता है। ऐसे में टाइम तो लगता ही है, साथ ही में वर्कर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इसी काम को आसान करने के लिए आज हम 3 टाइप्स के श्रेडर मशीन लेकर आए हैं, जो कि बस सेकेंडों में ही इनकी श्रेडिंग कर देगी। नंबर फर्स्ट पर है यह कैबेज चॉपर। इस मशीन को हाईटेक फूड इक्विपमेंट्स द्वारा बनाया गया है, जो कि बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज का है। यह साइज में जितना छोटा है तो काम में भी उतना ही खोटा है। इसकी वर्किंग प्रोसेस बहुत स्पीड है। इसमें कैबेज श्रेडिंग करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप कैबेज को थोड़ा काट कर इस मशीन में डाल दीजिए। उसके बाद यह मशीन इसकी श्रेडिंग करना स्टार्ट कर देती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे से श्रेड किए गए कैबेज बाहर निकल रहे हैं। एक्चुअली इस मशीन के अंदर सीआरपी प्लेट लगा हुआ है, जो कि मोटर द्वारा चलता है, और इन प्लेट के द्वारा ही इस कैबेज की श्रेडिंग हो रही है। यह मशीन 3 मॉडल में आती है। यदि आप 250 वॉट मशीन लेते हैं तो यह लगभग 1 घंटे में 10 से 20 किलोग्राम कैबेज की श्रेडिंग कर देगी, और 1.1 किलोवाट की मशीन 40 से 50 किलोग्राम और 1.5 किलोवाट की मशीन सिर्फ 1 घंटे में 60 से 80 किलोग्राम कैबेज की श्रेडिंग कर देती है। यह तो थोड़ी छोटी मशीन है, अब आइए हम आपको इससे भी बड़ी मशीन दिखाते हैं, जो कि सिर्फ 1 घंटे में 2 क्विंटल तक कैबेज श्रेड कर सकती है। यह मशीन बहुत ही स्पीड वर्क करती है, जिसमें कि बस सेकंडों में ही श्रेडिंग हो जाती है। आप देख सकते हैं कि यह कैबेज डाला और बस सेकंड में ही इसकी श्रेडिंग हो गई। इसमें श्रेडिंग करने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, मशीन ऑन करना है और उसके बाद ऊपर से कैबेज डालना है। उसके बाद यह मशीन कैसे चुटकियों में श्रेडिंग करेगी आप देख सकते हैं। इस मशीन की मोटर कैपेसिटी 1 HP है और इसका वेट भी सिर्फ 44 किलोग्राम है। इसमें आप श्रेडिंग के साइज को भी सेट कर सकते हैं कि आप कितना बड़ा या फिर छोटे साइज में श्रेडिंग करना चाहते हैं। यदि आप इस मशीन का रेट जानना चाहते हैं तो देखिए, वीडियो में रेट बताना सही नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, आप कॉल करके रेट जानने के साथ साथ कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके द्वारा आप सिर्फ कैबेज ही नहीं, आप चाहे तो गाजर, पालक या फिर जिस भी सब्जी की श्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप इजीली कर पाएंगे। तो ये मशीन कहीं ना कहीं आपके होटल के लिए बहुत ही बेहतरीन है, यदि आपके होटल, मेस या फिर कैंटीन बिजनेस में मंचूरियन की मांग ज़्यादा है। अभी इसका जो 3रा मॉडल है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि ये नॉर्मल श्रेडर की तरह बिल्कुल नहीं है। ये एक तरह का बाउल चॉपर है, जो कि कई सब्जियों को बहुत ही आसानी से चॉप कर देता है। इसमें भी सिंपली कैबेज डाल देना है और यहाँ देखिए इसकी चॉपिंग हो गई। इस मशीन में सिमल्टेनियस मोशन का प्रिंसिपल यूज़ किया गया है, जिससे कि वेजिटेबल और कटर दोनों एक साथ मूव करते हैं। इससे बेहतरीन क्वालिटी में चॉपिंग तो होती ही है, साथ ही में समय बिल्कुल नहीं लगता है। और हम आपको बता दें, यह मशीन 1 घंटे में 250 किलोग्राम तक कैबेज श्रेड कर देती है। इसकी पूरी बॉडी स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है, जिससे कि कभी कोई जंग वगैरह लगने की दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ देखिए, एकदम बेहतरीन क्वालिटी में चॉपिंग या फिर आप चाहें तो कह सकते हैं कि श्रेडिंग हुई है। श्रेडिंग करने के बाद इसका मंचूरियन बनाने के लिए इसमें बाकी इंग्रेडिएंट जैसे कि जिंजर, गार्लिक का पेस्ट, नमक, चाइनिंग साल्ट, रेड चिली पाउडर और आर्टिफिशियल फूड कलर भी मिक्स कर देंगे, और इसके साथ ही में 500 मिलीलीटर पानी डाल देंगे। अब इसमें जो भी बाकी चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि मैदा और 500 किलोग्राम कॉर्न फ्लावर डालेंगे। एक चीज़ ध्यान रखें कि इसमें जो कैबेज श्रेड किया गया है वो 5 किलोग्राम था और 1 किलोग्राम मैदा मिक्स किया जा रहा है। अब इन सभी चीज़ों को डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और यहाँ देखिए कि हमारा मंचूरियन का मिक्सचर जो है वो एकदम से रेडी हो चुका है, और इसका कलर आप देख सकते हैं एकदम लाल हो गया है, क्योंकि इसमें फूड कलर मिलाया गया है। मिक्सचर तैयार करने के बाद अब बात आती है मंचूरियन बनाने की। तो देखिए, छोटे लेवल में तो इस काम को हाथों से ही कर लेते हैं और अपने हाथों का ही यूज़ करके इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन बड़े लेवल में तैयार करने के लिए बहुत ही शानदार मशीन बनाई गई है, ये मंचूरियन मेकिंग मशीन। सिर्फ यही नहीं, इसे तैयार करने के लिए हम 2 मॉडल लेकर आए हैं, जो कि एक से बढ़कर एक है। पहला मॉडल है ये मैनुअल मशीन, जो कि हैंड ऑपरेटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर एक बाउल लगा हुआ है, इसमें हमने जो बैच रेडी किया था यानी कि मिक्सर, उसे इस बाउल में डाल देना है। इसमें जितना भी मिक्सर आ जाए तो उसे आप डाल दीजिए, और इस मिक्सर को डालने के बाद इस हैंडल के द्वारा ऊपर नीचे करना है।
जिससे कि मंचूरियन बॉल्स की कटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं कि बाउल में नीचे यहाँ पर बहुत सारे होल्स दिए गए हैं, जिससे कि मंचूरियन का मिक्सचर बाहर निकलता है और इस हैंडल के द्वारा इसकी कटिंग करने से बॉल्स रेडी हो जाते हैं। अब इससे जो बॉल्स निकल रहे हैं वो नीचे कढ़ाई में चले जाते हैं, और ये कोई नॉर्मल कढ़ाई नहीं है बल्कि इलेक्ट्रिक फ्रायर है। इसमें हीटिंग प्लेट लगी हुई होती हैं जिससे कि कढ़ाई एकदम गर्म हो जाती है। अब जैसे ही मंचूरियन बॉल्स इस कढ़ाई में आते हैं वो अच्छी तरीके से फ्राई होने लगते हैं। और फ्राई करने के बाद लगभग कुछ ही देर में आप देखिए कि मंचूरियन बॉल्स एकदम से रेडी हैं। इस मशीन के द्वारा आप सिर्फ मंचूरियन ही नहीं, गुजरात का सबसे फेमस भजिया या जिसे हम फुलवाड़ी भी कहते हैं, इसे भी आप बहुत ही आसानी से रेडी कर पाएंगे। सेम जिस तरह हमने मंचूरियन के बॉल्स रेडी किए थे, तो इसमें भी सेम आप पालक या फिर प्याज का मिक्सचर डाल देना है और मशीन के बाउल में डालकर हैंडल के द्वारा ऑपरेट करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ होल से मिक्सचर निकल रहा है और नीचे इस कढ़ाई में एकदम अच्छी तरीके से फ्राई भी हो रहा है। और लगभग कुछ ही देर में इसे फ्राई करेंगे, और अभी आप देखिए कि गर्मा गर्म भजिया एकदम से तैयार है। इससे जो भजिया तैयार हुआ है आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं कि जिस तरह नॉर्मल कढ़ाई में तैयार किया जाता है सेम उसी तरह ही तैयार हुआ है। यह तो मैनुअल मशीन है जिसमें कि आपको हाथों से ऑपरेट करना पड़ रहा है। अब आइए हम आपको फुल ऑटोमेटिक मशीन दिखाते हैं जिसमें कि आपको सिर्फ मिक्सचर डाल देना है, उसके बाद आप बैठ जाइए और यह मशीन ऑटोमेटिकली ही आपके लिए मंचूरियन बॉल्स रेडी कर देगी। सबसे पहले मशीन ऑन करना है और यहाँ इसके ऊपर बाउल में मिक्सर डाल दीजिए, और अभी आप देखिए यह मिक्सर ऑटोमेटिकली ही नीचे कढ़ाई में आ रहा है। यह बिल्कुल इलेक्ट्रिक मशीन है जिसमें कि 0.5 एचपी का मोटर लगा हुआ है, और यहाँ नीचे जो कढ़ाई है वो भी इलेक्ट्रिक फ्रायर है। आप चाहें तो इसके टेम्परेचर को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए कि एक लाइन से मंचूरियन के बॉल्स नीचे निकल रहे हैं। यह मशीन लगभग एक घंटे में 1400 से 1500 बॉल रेडी कर देती है, जो कि कहीं ना कहीं आपके होटल, रेस्टोरेंट या फिर मेस बिजनेस के लिए काफ़ी बेहतरीन है। यदि आप इन मशीन्स का प्राइस या फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप एक बार कॉल ज़रूर करिए। और देखिए, वीडियो में मशीन्स का रेट बताना सही नहीं है। अभी आप देख सकते हैं कि मंचूरियन बॉल्स एकदम से फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। अब इसमें ग्रेवी बनाकर मिक्स कर दीजिए और उसके बाद आप देखिए कि मंचूरियन बनकर एकदम से तैयार है। यह मशीन इतना फास्ट वर्क करती है कि यदि आप एक घंटे भी चलाते हैं तो कहीं ना कहीं आप पूरे दिन के लिए मंचूरियन बॉल्स रेडी कर पाएंगे। अभी बताइए कि इस मंचूरियन मेकिंग मशीन में सबसे यूनिक चीज़ आपको क्या लगी। और देखिए, इतना ही कहना चाहूँगा कि वीडियो यदि पसंद आ ही गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तुरंत प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल में चाहे बात की जाए पोहा इडली डोसा की या जलेबी चाय समोसा की, हर एक एक चीज़ बनाने की ऑटोमेटिक मशीन से अवेलेबल है। तो एक बार इन सभी यूनिक और अमेजिंग मशीन्स को देखना तो बनता है मेरे भाई। चलिए, मिलता हूँ स्क्रीन में दिख रहे इस नई और शानदार मशीन वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।